ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद एक युवक ने नाबालिग के साथ पहले शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसके परिजनों के खाते से 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए। मामले का पता चलने के बाद परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय हमीरपुर में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा। परिजनों ने पुलिस से मामले की जाँच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद एक युवक ने नाबालिग के साथ पहले शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसके परिजनों के खाते से 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए। मामले का पता चलने के बाद परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय हमीरपुर में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा है। परिजनों ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद महिला पुलिस थाना हमीरपुर में आरोपी युवक के खिलाफ धोखाधड़ी और यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक की धरपकड़ शुरू कर दी है। आरोपी युवक उपमंडल सुजानपुर का निवासी है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक सितंबर अक्टूबर 2018 में नाबालिग के संपर्क में आया था। फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद युवक ने नाबालिग को अपने जाल में फंसा लिया, जिसके बाद उसने लड़की की मां के खाते से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। इसी साल उसने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। वहीं पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अजित सिंह ठाकुर ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पीड़ित लड़की को मेडिकल जांच के लिए हमीरपुर अस्पताल भेजा गया है। शीघ्र ही आरोपी युवक सलाखों के पीछे होगा। को वुमेन थाने में कंप्लेंट प्राप्त हुई है, जिसमें कंप्लेनेंट ने एलिगेशन की है कि जनवरी महीने में 19 वर्षीय ऊल में रहने वाला ऊल एरिया में रहने वाले एक लड़के ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, और उसके उसके बाद हमने 376, 506, 420 आईपीसी और सेक्शन 4 पॉक्सो एक्ट में एक मामला दर्ज किया है। 420 सेक्शन हमने इसलिए लगाई है क्योंकि उन्होंने 1.5 लाख रुपए का एक फ्रॉड की भी एलिगेशन उसमें की है, जिसमें वो पैसे उन्होंने उनके खाते से निकाल लिया। अभी तक हमने ये केस रजिस्टर करने के बाद जो पीड़िता है उसका मेडिकल करवा लिया है, और आज उनका 164 का बयान जज साहब के सामने हम रिकॉर्ड करवाएंगे। मीनवाइल हमने एक टीम भी भेज दी है, जो लड़का जो कंप्लेनेंट सॉरी जो एक्यूज्ड है इस केस में, उसको अप्रिहेंड करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि हम इन्वेस्टिगेशन इसमें जल्दी ही कंप्लीट कर पाएंगे।